झारखंड में कुर्मियों द्वारा लगातार एसटी में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। कुर्मी अपनी मांगों को लेकर बीते एक साल से रेल चक्का जाम कर रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कुर्मियों की इस मांग को लेकर कोई सकारात्मक जवाब अब तक नहीं दिया गया है। बीते कल केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मीडिया हाउस प्रभात खबर के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए झारखंड में चल रही कुर्मियों की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कुर्मियों के एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर कहा कि यह संवैधानिक मुद्दा है, इसकी अपनी औपचारिकताएं हैं, इसके आधार पर ही चीजों को देखा जाता है, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जैसे चुनाव आयोग, सेंसस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका आदि। इनकी अलग अलग भूमिका है, ऐसे में हमें इन्हें उनके दायित्व पर छोड़ना चाहिए। फिलहाल केंद्र के पास कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला लंबित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह कहते हुए पत्र वापस ले लिया है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर कुर्मियों की मांग का मामला राज्य सरकार के पाले में फेंक दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अर्जुन मुंडा ने कुर्मियों की मांग पर इसी तरह का बयान देते हुए मामला राज्य सरकार के पाले में फेंका था। हालांकि कुर्मियों को एसटी में शामिल करना या नहीं करना, इसकी सख्ती केंद्र के पास ही है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार कुर्मियों की मांग से अपना पल्ला झाड़ते दिख रही है। वहीं मंत्री ने झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्राइबल की पहचान परंपरा और उसके आचरण से होती है, ना कि सिर्फ धर्म से। देश में जनजातियों के 700 से अधिक समुदाय हैं, इनकी परंपरा व आचरण को परिभाषित किया गया है। इस तरह के विषय को सिर्फ एक प्रदेश से जोड़कर देखना उचित नहीं है। सिर्फ झारखंड में ही ट्राइबल होते और यह विषय आता तो निर्णय लिया जा सकता था। देश में ट्राइबल के 700 समूह हैं, सभी की अलग अलग परंपराएं हैं, सभी को एक तरीके से धर्म के आधार पर जोड़ना सही नहीं है। यह ना तो संवैधानिक होगा और ना ही जनजातियों के हित में होगा। इसके लिए देश में एक फोरम बनाकर सारे ट्राइबल के हितों को ध्यान में रखते हुए समग्रता के साथ विचार करने की जरूरत है। यह मुद्दे राजनीतिक नहीं है, सभी की धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसे सिर्फ इसी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस मांग के पीछे उनकी मंशा क्या है। वे आदिवासियों को एकजुट देखना चाहते हैं कि नहीं, इस विषय पर वृहद फोरम पर बात करनी चाहिए। सिर्फ एक राज्य की बात करना सही नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।